इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि iPhone 12 का मैंने यहाँ पर एक साल कंप्लीट कर रखा है पूरा। अभी जस्ट नवंबर में एक साल कंप्लीट कर रखा है। आ गया मेरा iPhone। अच्छा वो जिससे शूट कर रहा हूँ वही iPhone मैं ट्राइपॉड पे सेट कर रखा है उसमें मैं शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी एक महीने से व्लॉग शूट करते आ रहा हूँ और एक महीने से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या डिफरेंस देखा है, पहले कैसे वर्क करता था फोन और अभी कैसे वर्क कर रहा है। तो उसमें कुछ अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं कुछ व्लॉग शूट करता हूँ, ठीक है, मैंने बस बहुत रेयर देखा है, ठीक है, मेरे जब भी अभी तक फ़ोन लिया ना एक साल हो चुका है, उसमें बस मैंने तीन बार ये प्रॉब्लम, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ क्या चल रहा है, प्रॉब्लम ये मैंने फेस की है जिसमें मैं 1x वाला शूट करता हूँ जिसमें तुम नॉर्मल रेंज में आप लोगों को दिखता है, वाइड एंगल वाला नहीं दिखता है। तो 1x वाला में बिल्कुल भी सही शूट होता है, ऐसा कुछ नहीं। रात में भी अगर मैं कुछ वीडियो व्लॉग लेता हूँ तो उसमें भी बहुत सही चल जाता है, बट ऐसा नहीं कि हर वक्त होता ही रहता है कि जो कैमरा में जो बोल रहा हूँ 1x में जो शूट होता है वो एकदम से ब्लर हो जाता है, माइनर सा ब्लर हो जाता है। मतलब आप लोगों को इतना भी फर्क मिल जाता है कि नहीं भाई थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, ब्लर हो जाता है। और आप जितने भी बार पोंछ लो कैमरे को, फ़ोन रिस्टार्ट करो, ठीक ही नहीं होता है, बट फिर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो उसका मेरे को मालूम नहीं है कैसे करने का है, बट यस अभी तक मैंने फेस किया ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि जो वाइड एंगल होता है ना, मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं कितना ज़्यादा मेरे पास फ़ोन की नॉलेज नहीं है, बट मैं जो फेस किया प्रॉब्लम वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। वाइड एंगल में जो मैं शूट करता हूँ, वाइड एंगल में ना ग्रीन साथ ऐसा लग रहा है कि वाइड एंगल में क्लैरिटी डाउन हो जाती है। रात में अक्सर और जहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी कमी होती है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी सुबह सुबह अगर आप सुबह आप लोग सनरेज के सामने अगर वीडियो बनाओ तो काफ़ी सही रहता है। तो अभी हर प्रॉब्लम आप लोगों को वैसे ही मालूम ही होगा कि बैटरी हेल्थ के रिलेटेड, बैटरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रखी है मेरी, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो आप लोग, मैंने बोला कि एक साल से एक महीने से मैं व्लॉग शूट करता आ रहा हूँ, बट उससे मैं एक साल पहले से जब से मैंने फ़ोन लिया वो सिर्फ गेमिंग के लिए मैंने लिया था, मोबाइल गेमिंग के लिए। मेरी गेमिंग चैनल पर मैं लाइव स्ट्रीम करता था मोबाइल गेम्स की। तो आप लोगों को मालूम है कि फ़ोन चार्ज करते हुए गेम नहीं खेलना चाहिए, उसकी बैटरी हेल्थ अफेक्ट होती है। जी हाँ, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट मैं 4 से 5 घंटे की स्ट्रीम करता हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। एटलीस्ट 2 घंटा चल जाता है, ठीक है, फिर आगे स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे 2 घंटे में तो मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 4 घंटे तो खींच रहा हूँ, आधा टाइम हो जाता है स्ट्रीम के बाद, तब तो भाई बैटरी रहती नहीं है। तो फिर चार्जर लगा दिया, अभी एक साल में मैं अभी मेरी 100 से लेकर आप लोगों को ऑनेस्टली रिव्यू दूँ तो मेरी अभी 87% बैटरी हेल्थ हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी एक स्क्रीनशॉट दिख जाएगा मेरा बैटरी हेल्थ का, तो वो दिक्कत थोड़ी आती है, बट वैसे अभी फ़ोन लैग तो नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने स्ट्रीम्स भी कर रखी है और इवन दो मैंने अपने एंड्रॉयड, जब मैं एंड्रॉयड पर भी करता था स्ट्रीम, वो अभी भी मेरे पास फ़ोन है, 5 साल में यूज़ करता हूँ और अभी भी बहुत सही चल रहा है। एंड्रॉयड है रियलमी का, बहुत ही सही चल रहा है अभी। तो अभी मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखते अभी क्या करना है। बैटरी हेल्थ तो भाई ये तो रहेगा, एप्पल में तो मेंटेन करना होगा उसको अच्छे से। तो अभी मैंने थोड़ा कम रखा है मोबाइल गेम्स का, इसीलिए बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रखी है और इसलिए अभी मैं पीसी गेम्स भी खेलते आ रहा हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को बस अभी तक, बाकी तो भाई सब चीज़ में एक्सीलेंट चल रहा है भाई, देख रहे एकदम नेक्स्ट लेवल चल रहा है अभी। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स जो मैंने अभी तक एक साल में फेस किए आईफोन 12 के रिगार्डिंग, आईफोन 12 128। बाकी तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है, लैग नहीं होता, बाकी सब चल जाता है। बस माइनर जो मेन मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट वाला कि ये वही। बस अगर वीडियो पसंद आया गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और कल से व्लॉग आएगा। अगर आप लोग ने हमारा व्लॉग नहीं देखा तो गाइस मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करता हूँ और 2023 में अपना बहुत ही अच्छा सा प्लान है, उसके लिए मैं अलग रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, टेक केयर।